हाय फ्रेंड्स, मैं भावना, ट्रेनर ऑफ टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और कितना ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि जिससे हम कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में फ्रेंड्स मैं बता चुकी हूँ आपको यहाँ पे कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे गोडाउंस कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, ओके, स्टॉक आइटम के साथ हम GST को कैसे एक्टिवेट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोज़ को नहीं देखा है, पिछली वीडियोज़ को, तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ओके। तो उस यहाँ पे आज हम बात करेंगे ओपनिंग बैलेंस कैसे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, ओके। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमारा अकाउंटिंग वाउचर है, यहाँ पे जब गेटवे ऑफ टैली पाएंगे तो अकाउंटिंग वाउचर पे हम लोग यहाँ पे भी अकाउंटेंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। उस पर पहले पहले यहाँ पे हमने अभी तक कोई कंपनी में पैसा नहीं लगाया हुआ है, उसको कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर आप एरो की कप यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, देखिए बैलेंस शीट पे, ओके, बैलेंस शीट में जब हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ओके। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे रेशियो एनालिसिस पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, कैश इन हैंड भी कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट भी हमारे पास कुछ नहीं है, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें आना पड़ेगा यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे, देखिए, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के लिए हम लोग डायरेक्ट वी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ सिंपल वी हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा रिसिप्ट वाउचर, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और नंबर 1 दिया हुआ है ना, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। अब देखिए यहाँ पे रिसिप्ट क्या है, हम लोग मोस्टली स्टार्टिंग में 4 वाउचर का, हम लोग 6 वाउचर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है आपका काउंटर वाउचर, सेकेंड है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है काउंट्रा वाउचर F4 दिया है, नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर F5 है, रिसिप्ट के देखिए रिसिप्ट हमने ओपन कर रखा है इसलिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे F6 होता है रिसिप्ट वाउचर का, F7 जनरल वाउचर, F8 सेल वाउचर और F9 होता है हमारा परचेस वाउचर, ठीक है। यहाँ पे परचेस ये मोस्टली हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे परचेस ऑर्डर है, सेल ऑर्डर का, हम लोग आगे आपको वाउचर की ज़रूरत पड़ती रहेगी, ओके। अब स्टार्टिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रिसिप्ट करना है, तो देखिए हम यहाँ पे रिसिप्ट हमारा वाउचर ऑलरेडी हम लोग रिसिप्ट कंपनी में पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी में, मान लीजिए तो आप आपकी कंपनी रिसिप्ट कर रहे हैं ना, या फिर आप ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी कंपनी में पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट शो कर रहे हैं बट हमें यहाँ पे डेबिट क्रेडिट शो करना है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे, F12 दिया है और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नीचे दिया है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट काउंटर वाउचर्स, इसको हम कर देंगे नो, ओके। और यहाँ पे आएंगे देखिए दिया हुआ है यूज़, यहाँ पे यूज़ क्रेडिट CRDI लिखा है, क्रेडिट डेबिट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इसको कर देंगे यस, वाई देन एंटर कर देंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे एक्सेप्ट, हम इसको करा देंगे एक्सेप्ट करा देंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा डेबिट एंड क्रेडिट शो कर रहा है, ओके। अब रिसिप्ट वाउचर में हमें पैसा रिसिप्ट आ रहा है ना, तो यहाँ पे कैसे हम लोग रिसिप्ट करेंगे, यहाँ पे और सी से यहाँ पे लेज़र बनाएंगे और जो इन्वेस्टर है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम टेकमेक इंस्टीट्यूट ही दे रहे हैं, यहाँ पे या हम दे दिए यहाँ पे, किसी का नाम इन्वेस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर ये किसी कंपनी का नाम भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। और ये किस में रहेगा, हमारा कैपिटल अकाउंट में, जो इन्वेस्टर है वो कैपिटल अकाउंट में ही उनका नाम आएगा, ठीक है यहाँ पे। या फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे स्केप करेंगे वापस, यहाँ पे लेज़र देखो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको मैं लेज़र क्रिएट करना वहाँ भी बताई थी कि अकाउंट वाउचर पे, अकाउंट वाउचर पे जाकर के आप ग्रुप ऑफ लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या उसकी शॉर्टकट की होती है यहाँ पे Alt C,
ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ हमने भी कर दिया रोहित कैपिटल अकाउंट करके हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, हमने शॉर्ट में अकाउंट लिख दिया है यहाँ पे, ये अंडर किस में रहेगा, कैपिटल अकाउंट में। ओके, यहाँ पे इन्वेंट्री से हमें कोई लेना नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम नो ही रहने देंगे। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे इनका, यहाँ पे भी एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंडिया रहेगा, यूपी रहेगा, पिन कोड आप यहाँ पे जो भी वहाँ का पिन कोड होगा उसको फिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर आपको यहाँ पे करना तो यस करके आप यहाँ पे पूरी बैंक डिटेल यहाँ पे कैसे आप वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चेक के थ्रू, ई फाउंड ट्रांसफ़र, सॉरी ई फंड ट्रांसफ़र के थ्रू कर रहे हैं, अदर के थ्रू कर, जिससे के थ्रू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको लेके यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पैन आईटी उनका पड़ेगा, यहाँ पे डाल सकते हैं जीएसटी, यहाँ पे डिटेल उनकी पड़ेगी यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने एक्सेप्ट करा था, देखिए यहाँ पे रोहित कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ गया, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जितना भी आप मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कैश बाई कैश ही करेंगे ना, यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, चेक के थ्रू करें यहाँ पे, अब वहाँ अगर अदर अदर ले लेंगे यहाँ पे तो कैश या जैसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका बैंक का नाम यहाँ पे और सी से लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कैश कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जा कर के वापस जाएंगे यहाँ पे और कंट्रोल एंटर करेंगे तो रीचेक हम लोग यहाँ पे जो वाउचर हम यहाँ पे लेजर ने क्रिएट किया उसको आप सही कर सकते हैं यहाँ पे जा करके। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे बैंक डिटेल दिया है इसको यस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर देंगे अदर। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कैश को यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है, देन यहाँ पे हमने कैश लिया 1 लाख, यहाँ पे देखिए आ गया है आपका, और यहाँ पे नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वेस्टेड बाय मिस्टर रोहित जो भी नाम है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपको लिखना कर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा एक्सेप्ट, क्या आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने डेबिट में क्या दिया है, डेबिट क्रेडिटर वो है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे हमारी कंपनी में, जो इन्वेस्टर है। ठीक है, और कैश में डेबिट में आपका कैश आएगा कि वो मतलब रोहित जो है, रोहित कैपिटल अकाउंट जो मतलब जो कंपनी है या रोहित जो भी है यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने बाई कैश, ठीक है, 1 लाख यहाँ पे हमें अटेंड करना था, 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अगर आपको सही करना है यहाँ पे अटेंड करना है तो आप बैंक जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे 10 लाख रुपीज़। ठीक है, वो बाई कैश हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो रोहित कैपिटल अकाउंट बनाया था यहाँ पे, जो लेजर क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब हमें चेक करना है यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ गया है या नहीं आ गया है, तो यहाँ पे स्कैप करेंगे, ठीक है, और वापस आएंगे हम बैलेंस शीट पे यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ हमारे यहाँ पे कंपनी में आ गया है। ठीक है, मतलब कंपनी में हमारे आ गया। अब इसके हम आगे की प्रोसेस के लिए हम लोग तैयार हैं, जो भी हम लोग सेल परचेज करेंगे उसके लिए हम लोग रेडी हैं, अब कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे रेशियो पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे 10 लाख रुपीज़। ठीक है, और बाई कैसे कैश हमारे पास में है। ओके, तो ये हमारे कंपनी में पैसा ओपनिंग बैलेंस आ गया है। अब देखिए कभी भी हम यहाँ पे जाएंगे आइटम क्रिएट करेंगे यहाँ से इन्वेंट्री पे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस पूछता चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इन्वेस्ट हमने किया तो हमारी कंपनी में ये बैलेंस आ गया है। ओके, तो इस तरह आप कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं या ओपनिंग बैलेंस कंपनी में लगा सकते हैं। ठीक है, कितने से आप कंपनी को ओपन कर रहे हैं, कितना बैलेंस ओपनिंग में लगा रहे हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।